हेलो चिल्ड्रन, आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 12 इंग्लिश की फॉर्मल इनविटेशन के राइटिंग स्किल्स। अब इनविटेशन क्या है? इनविटेशन इज अ फॉर्मल रिक्वेस्ट टू समवन टू अटेंड एनी स्पेशल ओकेशन, सेलिब्रेशन, प्रोग्राम और इवेंट। मतलब जब हम किसी को फॉर्मली बुला रहे हैं, कोई प्रोग्राम है, कोई सेलिब्रेशन है, कोई इवेंट है, उसको अटेंड करने के लिए, तब हम उसको बोलते हैं फॉर्मल इनविटेशन। तो जो इनविटेशंस हैं, जो इनविटेशन वैसे दो तरीके के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। ये वाला जो वीडियो है इसमें हम लोगों ने डिस्कस कर रहे हैं हम लोग फॉर्मल इन्विटेशन। अब फॉर्मल इन्विटेशन लिखने का क्या तरीका है? तो फॉर्मल इन्विटेशन जब हम लिख रहे हैं तब हम उसको लिखेंगे, हम इट इज़ रिटन इन थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन का मतलब क्या है? तो थर्ड पर्सन है उसमें जैसे कि हम बोलते हैं जो शब्द यूज करते हैं शी, ही, हर, हर सेल्फ, इट, इट सेल्फ, दे, देम, देयर, तो ये सब जो शब्द होते हैं ये थर्ड पर्सन प्रोनाउंस माने जाते हैं। तो ये कई ज़्यादा मतलब जो शादी वादी के जो इनविटेशन होते हैं उनमें तो इस तरीके से होता है, लेकिन जब आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं कोई फॉर्मल ओकेशन में, मतलब जज बनने के लिए, तो आप इस तरीके से इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं भी करते हैं। इसलिए हमने इनको एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखाया हुआ है। और इसमें जो है जो इन्वाइट कर रहा है उसका नाम भी लिखा जाता है, और ये शब्द जो रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, इस टाइप के शब्द भी लिखे जाते हैं, और जो जिसको इनवाइट किया जा रहा है उसका नाम लिखा जाता है, टाइम लिखा जाता है, कौन से दिन है, कितने बजे है, कौन सा ओकेशन है, और जनरली वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जैसे कि अभी हो रहा हो वैसा वाला लिखा जाता है, और जो नेम ऑफ द चीफ गेस्ट अगर कोई आ रहा है तो उसका लिखा जाता है, और सब्जेक्ट मैटर जनरली बीच में होता है, और अगर कोई RSVP होता है, RSVP मतलब कौन लोग, जो हिंदी में अगर बोलें तो आपकी प्रतीक्षा में, इस तरीके से जो होता है वो भी लिखा जाता है, एड्रेस भी लिखा जाता है, टेलीफोन नंबर भी लिखा जाता है, और अगर कोई ड्रेस कोड है तो वो भी लिखा जा सकता है बॉटम में, और लेकिन इन सब चीज़ों में कहीं पे भी एब्रीविएशंस यूज़ नहीं करे जाते हैं। अब आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे डिटेल्स हैं, आपको लगेगा कि ये सब कैसे होएगा, लेकिन आप जब फॉर्मेट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तब आते हैं ड्राफ्ट एंड इन्विटेशन टू सेलिब्रेट द एनुअल फंक्शन ऑफ RGS स्कूल, राजा बाजार, पटना। तो आपको एनुअल जो स्कूल जो एनुअल फंक्शन है उसको सेलिब्रेट करना है, उसके लिए आपको इनविटेशन कार्ड बनाना है। तो जो कैसे, प्रिंसिपल, स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ऑफ RGS स्कूल, राजा बाजार, पटना, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी ऑन एनुअल डे सेलिब्रेशन ऑन संडे 24th March 2020 एट 5:30 PM इन द स्कूल ऑडिटोरियम। Honorable Education Minister has very kindly consented to be the chief guest. Special instructions, this card admits only two. You are requested to be seated by 4:30 PM. Note, entry is free. RSVP, admin officer and phone number. तो ये आपने कई बार आपने ये ऐसा आपने इनविटेशन कार्ड देखा होगा, तो याद करने की मतलब इजीली हो जाएगा। इसमें क्या है, प्रिंसिपल, स्टाफ एंड स्टूडेंट्स, पहले कौन इनवाइट कर रहा है, कौन में आ गया, जो कंपनी का नाम है वो आ गया, जो शब्द हम लोगों ने पढ़े थे रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी वो आ गया, किस लिए इनवाइट कर रहा है, कब इनवाइट कर रहा है, कितने बजे इनवाइट कर रहा है, कहाँ इनवाइट कर रहा है, कोई चीफ गेस्ट है तो वो कौन है, स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं तो वो क्या हैं, और RSVP तो है, तो ये वाला चीज़ हो गया। तो जो जो पॉइंटर्स हम लोगों ने डिस्कस करे थे वो इसमें सारे के सारे इसमें आ गए हैं। तो ये बहुत आसान है लिखने का, लिखने को एक बार फॉर्मेट याद हो गया तो कोई भी आपके पास आए, एनुअल फंक्शन आए, एग्जीबिशन आए, कोई मेला आए, आपको लिखना बस यही है, आपको ये वाला चीज़ बदल देनी है, बाकी मोरलेस सब कुछ सेम ही रह सकता है। एजुकेशन मिनिस्टर की जगह पे आप कहीं टूरिज्म मिनिस्टर कर दीजिए, कोई भी जो अप्रोप्रिएट बैठ रहा हो उस हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। अब आता है दूसरा एक एग्जाम्पल, राइट अ फॉर्मल इन्विटेशन फॉर द मैरिज फंक्शन ऑफ योर सन, यू आर मिस्टर एंड मिसेस खान। तो मिसेस इसको थोड़ा फनी बनाने, फनी मतलब ऐसे ही बस थोड़ा सा फिल्म स्टार्स के नाम दे के हमने आप लोगों को थोड़ा एक्टिवेट करने की कोशिश करी है। मिसेस एंड मिस्टर सैफ अली खान सॉलिसिट योर ग्रेशियस प्रेजेंस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेशन ऑफ द मैरिज ऑफ देयर ग्रैंडसन आयान, डॉटर ऑफ मिसेस जुबेदा एंड मिस्टर शाहरुख खान विद हीना, सन ऑफ मिसेस जारा एंड सलमान खान On 27th March 2020 at 7:30 PM at Lotus Banquet Hall, Ahmedabad, with best compliments from Mr. Shah Rukh Khan and all relatives,
RSVP Sara Khan and Taimur, B36 Gandhi Nagar, Ahmedabad, phone number 10. तो अब इसमें क्या है, कौन बुला रहा है, और ये जो शब्द है solicit your gracious presence on the auspicious occasion of the marriage of their grandson, ये आप याद कर सकते हैं. तो अगर याद नहीं हो जाए तो मिसेज एंड मिस्टर सैफ अली खान इनवाइट यू फॉर द ऑस्पिशियस ओकेशन ऑफ द मैरिज ऑफ देयर सन, इस तरह से भी आप कर सकते हैं. नाम आ गया. फिर कई लोग होते हैं कि ये क्या है, ये तो ग्रैंड पेरेंट्स थे, यहाँ पे आया पेरेंट्स का नाम, यहाँ पे भी आया पेरेंट का नाम, कौन सी डेट को, कितने बजे, कहाँ पे, विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट थोड़ा राइट हैंड साइड में से खिसक गया, और RSVP जो वाला है वो लेफ्ट हैंड साइड में से खिसक गया, और बीच में जो है वो कंटेंट आ गया. इस तरीके से आपका जो पूरा जो इनविटेशन है वो एक तरीके से बैलेंस हो गया. तो जो हम लोगों ने पहले वाला देखे वो दो सैंपल्स ऐसे थे जबकि आप बहुत सारे लोगों को एट अ टाइम बुला रहे हैं, तो आप वो एक तरीके से वो इनवाइट बना देते हैं, और सभी मान लीजिए 50 लोग हैं तो सबको वही सेम टू सेम इनविटेशन दे दिया जाता है. लेकिन जब आप किसी एक इंसान को बुला रहे हो और अपने कोई फंक्शन में, तो आप उसको एक पर्सनल आप लेटर लिखते हैं, तो वो कैसे लिखेंगे, वो इनविटेशन कैसे लिखेंगे, तो वो हम लोग इसमें देखने वाले हैं. अब क्या है कि यू आर आर्यन अलका, द प्रेसिडेंट ऑफ साइंस क्लब गवर्नमेंट स्कूल बिजनौर. यू हैव टू ऑर्गेनाइज एन इंटर रीजन कॉम्पिटिशन ऑन द टॉपिक साइंस इन एवरीडे लाइफ एंड एट 10+2 लेवल. यू विश टू इनवाइट डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, एन एमिनेंट साइंटिस्ट एंड DRDO चेयरमैन, टू प्रिसाइड ओवर द फंक्शन टू बी हेल्ड ऑन 26 मार्च 2020 एट 10:30 AM. तो अब कौन भेज रहा है ये, तो गवर्नमेंट स्कूल बिजनौर भेज रहा है, उत्तर प्रदेश में ये है. कब भेज रहा है, 16 जनवरी 2020 भेज रहा है. टाइम जो है ये देखेंगे कि इसमें काफ़ी टाइम गैप है, क्योंकि अगर आप किसी हाई ऑफिशियल को कोई आप बुक करना चाहते हैं अपने कोई फंक्शन के लिए, तो आपको बहुत पहले उनको बताना पड़ता है, जिससे कि वो आपकी जो डेट है उनको वो फिक्स कर लेते हैं. अब सब्जेक्ट इनविटेशन टू प्रिसाइड ओवर इंटर रीजन कॉम्पिटिशन. तो ये क्या है कि आप इनवाइट दे रहे हैं कि उनको कि वो आए आपके इंटर रीजन कॉम्पिटिशन में. प्रिसाइड ओवर मतलब आने के लिए. सर द साइंस क्लब ऑफ योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ऑफ आर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ साइंस इज ऑर्गेनाइजिंग अ साइंस इंटर रीजन कॉम्पिटिशन ऑन द टॉपिक साइंस इन एवरीडे लाइफ on 26 March 2020 at 10:30 AM in the school auditorium. Kindly consent to preside over in the above said program. Hoping for a positive reply. तो बहुत ईजी है, क्योंकि आपने यहीं से ले लिया, क्या लिया कि साइंस क्लब गवर्नमेंट स्कूल बिजनौर, फिर आपने लिखा इज ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर रीजन कॉम्पिटिशन ऑन द टॉपिक साइंस इन एवरी डे लाइफ. फिर आपने टाइम लाइफ टू बी हेल्ड ऑन 26 मार्च 2020 एट 10:30 AM, ये भी आपको मिल गया. इन स्कूल ऑडिटोरियम आपने मन से बना दिया. अब इसके बाद क्या है, ये वाली लाइन कि काइंडली कंसेंट टू प्रिसाइड ओवर इन द अबव सेड प्रोग्राम, आप रख लीजिए इसको, और फिर आ जाएगा होपिंग फॉर अ पॉजिटिव रिप्लाई. ये तो आप कभी भी किसी को भी इन्विटेशन के लिए बुला रहे हैं, इन्वाइट कर रहे हैं कोई भी प्रोग्राम के लिए, तो आप सभी में डाल सकते हैं. थैंकिंग यू योर सिंसियरली, नाम इधर दिया हुआ है तो वही नाम लिखिएगा. फिर आपकी जो पोस्ट है वो आपने लिखी, और वो कौन से क्लब की जो पोस्ट की जितनी भी डिटेल है आपने सारी लिख दी. तो इस तरीके से ये जो है आपका जो इन्विटेशन है, पर्सनल इन्वाइट, ये आपका बन गया. अब और एग्जाम्पल देखते हैं. अब यह है कि मान लीजिए आपने उनको इनवाइट किया, लेकिन उन्होंने अगर रेफ्यूज कर दिया, वो नहीं आ सकते हैं, तो वो कैसा लिखा जाएगा. ये आपको इसलिए सिखाया जा रहा है कि आगे चल के आप लोग भी अच्छे पोजीशन में जाएंगे, तो आप अगर किसी को अपने कंपनी में इनवाइट कर रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, और अगर आपको कोई इन्वाइट कर रहा है तो कैसे रेफ्यूज या फिर एक्सेप्ट आप करेंगे. अब ये है, यू आर डॉक्टर, इसी वाला पहले वाले एग्जाम्पल को ही हमने लेके सारी चीज़ें वही रखी हुई हैं, उसी को हमने सिखा दिया है. यू आर डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, एन एमिनेंट साइंटिस्ट एंड DRDO चेयरमैन. यू हैव बीन इनवाइटेड टू प्रिसाइड ओवर इंटर रीजन कॉम्पिटिशन ऑन द टॉपिक साइंस इन एवरीडे लाइफ बाई आर्यन अलका, द प्रेसिडेंट ऑफ साइंस क्लब गवर्नमेंट स्कूल बिजनौर. राइट अ लेटर फॉर रेफ्यूजल ऑफ द इन्विटेशन. तो अब आपको ऐसा लेटर लिखना है कि आपने इनविटेशन को रेफ्यूज कर दिया है. तो अब ये कहाँ से जा रहा है, ये DRDO के ऑफिस से जा रहा है, तो DRDO भवन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट. कुछ आपको नहीं पता है तो आप कुछ भी एक्सपायर कोई भी आप कंपनी का नाम लिख सकते हैं. न्यू दिल्ली, डेट आ गया,
कब कब लिखा जा रहा है, तो जिस दिन इनवाइट दिया था उसके 2 ही दिन बाद उन्होंने भी मना कर दिया. डियर अलका, मेनी थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी टू प्रिसाइड ओवर इंटर रीजन कॉम्पिटिशन ऑन द टॉपिक साइंस इन एवरीडे लाइफ टू बी हेल्ड ऑन 26 मार्च 2020 एट 10:30 AM. इसमें ज़्यादातर जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको क्वेश्चन से ही मिल जाएंगी. फिर बट आई एम सॉरी टू से दैट आई शेल नॉट बी एबल टू अटेंड द सेम ड्यू टू प्रायर कमिटमेंट टू बी अ पार्ट ऑफ नेशनल स्पेस कॉन्फ्रेंस. तो कोई आप जब आप रेफ्यूज करें तो सिर्फ रेफ्यूज नहीं करेंगे, आई कैनॉट कम, आपको उसका रीजन भी देना पड़ेगा और रीजन ऐसा देना पड़ेगा कि जो इसने आपको इन्वाइट किया है उसको इस बात का दुख ना हो कि आपने मना कर दिया. नाउ विथ वॉर्म रिकार्ड्स योर सिंसियरली जी सतीश रेड्डी. इस तरीके से ये हो गया फॉर्मल रेफ्यूजल. अब आता है फॉर्मल एक्सेप्टेंस. तो यू आर डॉक्टर जी सतीश रेड्डी एन एमिनेंट साइंटिस्ट एंड DRDO चेयरमैन. यू हैव बीन इनवाइटेड टू प्रिसाइड ओवर इंटर रीजन कॉम्पिटिशन ऑन द टॉपिक साइंस इन एवरीडे लाइफ बाई आर्यन अलका द प्रेसिडेंट ऑफ साइंस क्लब गवर्नमेंट कॉलेज बिजनौर. राइट अ लेटर इन एक्सेप्टेंस ऑफ द इन्विटेशन. तो कहाँ से जा रहा है? DRDO से जा रहा है. लोकेशन न्यू दिल्ली हो गया. कौन से दिन जा रहा है? डियर अलका, मेनी 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 थैंक्स फॉर इन्वाइटिंग मी टू प्रिसाइड ओवर इंटर रीजन कॉम्पिटिशन ऑन द टॉपिक साइंस इन एवरीडे लाइफ. तो आपको क्वेश्चन से भी मिल जाएगा. टू बी हेल्ड ऑन 26 मार्च 2020 एट 10:30 AM ये भी आपको क्वेश्चन से मिल जाएगा. आई शेल बी हाईली डिलाइटेड टू अटेंड द फंक्शन एंड एंजॉय लिसनिंग टू द व्यूज ऑफ द स्टूडेंट्स. इट बी काइंड ऑफ यू इफ यू कुड प्रोवाइड मी द शेड्यूल ऑफ द प्रोग्राम. विद वॉर्म रिगार्ड्स योर सिंसियरली जी सतीश रेड्डी. तो आप पहले तो हाँ करिए कि हाँ मैं आ रहा हूँ, फिर उसके बाद से आप कोई ना कोई रिक्वेस्ट दे दीजिए कि इट वुड बी काइंड इफ यू सेंड मी द व्हाट्सएप लोकेशन ऑफ योर स्कूल, इट वुड बी काइंड इफ यू कैन अरेंज द ट्रांसपोर्ट टू द स्कूल, और इट वुड बी काइंड इफ यू कैन प्रोवाइड मी द शेड्यूल ऑफ द प्रोग्राम. कुछ भी आप लिख के उसको आप एंड कर सकते हैं. इस तरीके से जो भी जो फॉर्मल इन्विटेशंस के जो जो पैटर्न हो सकते हैं वो हम लोगों ने ख़त्म करे हैं. अब आगे हम लोग करेंगे इनफॉर्मल इन्विटेशन. तो थैंकिंग यू. अगर आपको ये पसंद आया हो CBSE ईजोन का हमारा चैनल, तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए. अपने दोस्तों को बताइए, अपने जूनियर्स को बताइए, कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बेस्ट ऑफ लक.